हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। जिसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास दो किट रखा हुआ, दोनों सीआरटी टीवी के हैं, है ना, और दोनों चाइना ही हैं, ये देख सकते हैं, और एक तो ये देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि किस तरह से मैच करके ईएसडी को लगाते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन सा पार्ट्स ख़राब हो जाता है तो उसकी जगह में आप कैसे दूसरे नंबर का लगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और नए मैकेनिक और पुराने मैकेनिक में बस यही अंतर रहता है दोस्तों, खासकर कि जो नए मैकेनिक हैं वो नंबर के पीछे भागते हैं और पुराने जो मैकेनिक होते हैं वो मैच करके लगा देते हैं, है ना। जैसे कि मैच किस तरह से करना है और पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो पावर सप्लाई 18.03 का लगता है, है ना, देख सकते हैं। और इस जगह में आप लोगों को अलग अलग नंबर के भी लगे मिल सकते हैं, है ना, अलग अलग नंबर के मिल सकते हैं, जैसे कि 2499 हो गए, सॉरी 4458 हो सकता है, 4460 भी हो सकता है, या तो फिर कोई दूसरा भी हो सकता है, है ना। तो इसके जगह में कुछ ट्रांजिस्टर ऐसे लगे हैं हुए हैं जो कि अलग अलग नंबर के हैं, फिर भी यहाँ पर लग जाते हैं। ठीक, तो आप लोगों को और पहले बता दूं कि कहाँ पर कितना कितना नंबर का लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे भी आउटपुट ट्रांजिस्टर में है जो एक यहाँ पे लगता है, यहाँ पे 2499 लगता है, 2140 लगता है, 1803 लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो कि 3-4 नंबर के हैं और भी कुछ नंबर हैं जो कि यहाँ पर लगे होते हैं, जैसे जैसे किट को आप देखिएगा वैसे वैसे सभी में अलग अलग रहते हैं, शायद ही किसी में सेम रहते हैं, है ना। तो इस टाइप से क्यों होता है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। और पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था मेमोरी आईसी के बारे में, तो उसको तो जरूर आप जरूर देखे होंगे, पर इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा, इसमें भी आप लोगों को बहुत सा नॉलेज मिलेगा, ताकि आप भी नए मैकेनिक हैं तो रिपेयरिंग करने में आप लोगों को आसानी जाए, है ना। आप परेशानी में नंबर के चक्कर में इधर उधर घूमते रहते हैं, सेम नंबर का नहीं मिलता है तो फिर परेशान हो जाते हैं, इसलिए आप लोगों को इसको वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी इसको दिखा देते हैं, इसका देख थोड़ा ठीक दिख रहा है। तो चाइना जो किट होता है दोस्तों, चाइना किट में लगभग एक ही टाइप के आईसी लगे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी नंबर का हो, इसका तो निकाल दिए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, पिछले वीडियो में बताया था ईएसडी के बारे में कि मैच करके लगाना है, सेम उसी तरह से दोस्तों आप लोगों को मैच करना है। यहाँ पर आप यहाँ पे RGB का कनेक्शन देख सकते हैं, RGB, तो यहाँ से निकला है दोस्तों RGB का कनेक्शन, RGB और GND, ठीक है, ये तीनों यदि मान लीजिए इसमें भी दिया है, सभी में सेम दिया है, जैसे कि यहाँ भी दिया है RGB का और यहाँ भी दिया है, और सेम पिन से यदि दोस्तों निकल रहा है, है ना, सेम पिन से निकल रहा है, तो आप इसका IC को इसमें डाल सकते हैं, इसका IC को इसमें डाल सकते हैं और इसका IC को इसमें डाल सकते हैं, भले ही दोस्तों कोई भी नंबर का हो। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों कि आप जो IC हैं, IC के ट्रैक को मिलाइए और सेम जगह सेम पिन से यदि आपका सेम कार काम कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक कलर के लिए दिया है RGB जो कलर का पिन निकला है वो दूसरे किट में, यदि IC उसी सेम पिन से यदि निकलता है तो आप उसको उसके जगह में लगा सकते हैं, है ना, इसको इसके जगह में लगा सकते हैं और इसको इसके जगह में लगा सकते हैं, आप नंबर के पीछे मत भागिए। ठीक है, और दूसरा बात दोस्तों, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगता है डीटी के बगल में, ये देखिए ये वाला डीटी यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा था, ठीक है, जो कि मेन IC से निकलता है, बेस बोल्ट जो AC में रहता है हल्का सा निकलता है वो वाला, दोस्तों आप इस यहाँ से भी निकाल के डाल सकते हैं, ये देख सकते हैं, गौर से देखिएगा, यहाँ पर लगा है, ठीक है, यहाँ पे लगा है, इसको भी निकाल के आप यहाँ पे लगा सकते हैं, फिर भी सेम काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला ट्रांजिस्टर लगा है उसको यदि आप यहाँ पे लगाएंगे तो सेम काम करेगा, है ना। तो कहने का मतलब है दोस्तों, नंबर के पीछे मत भागिए, और नंबर के पीछे भागिएगा तो फिर भागते रह जाइएगा और आप पार्ट्स खोजते रह जाइएगा, सेम काम सेम नियम सभी में लागू होता है दोस्तों, इसलिए काम सेम करता है। अब पुराने जो मैकेनिक होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, अधिकतर दोस्तों पार्ट्स के पीछे नहीं भागते हैं, सेम जगह का लगा है ट्रैक को मिलाते हैं उसके बाद उस पार्ट्स को निकाल के डाल देते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे आउटपुट ट्रांजिस्टर में कितने प्रकार के भी ट्रांजिस्टर रहते हैं, अलग अलग नंबर के रहते हैं, है ना, उसको भी
एडजस्ट कर लेते हैं, डाल देते हैं, वो नहीं देखते हैं, बस वो देखते हैं कि देखिए आउटपुट ट्रांजिस्टर है, आउटपुट ट्रांजिस्टर के जो पिन को मिलाते हैं, तो आउटपुट ट्रांजिस्टर तो लगभग देखिए दोस्तों सभी टीवी में सेम रहता है, यानी कि सप्लाई सेम रहता है, और ट्रांजिस्टर भले ही अलग नंबर का है दोस्तों, फिर भी उसको लगा के एडजस्ट कर देते हैं और चालू हो जाता है ना। तो इसमें दोस्तों कुछ कुछ खास चीज़ है जिसको कि आप लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिसको कि आप सेम नंबर का ना मिले फिर भी उसके जगह से निकाल के आप लगा सकते हैं, और इसमें चेंज करने जिसको आप चेंज नहीं कर सकते दोस्तों उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि यहाँ तक जितना बताया उतना तो समझ में आ गया, ESD के बारे में पहले ही मैं वीडियो बना दिया था, और मेमोरी IC के बारे में भी वीडियो बनाया था कि मेमोरी IC में क्या रहता है, सॉफ्टवेयर कैसे लोड रहता है, और ब्लैंक वाला क्या होता है इसके बारे में भी बताया था। और आज जो IC है ये तो आप दोस्तों जो चाइना TV के जो IC हैं इनके तो बहुत से नंबर हैं, मान लीजिए 5-6 IC होंगे जो कि सेम वर्क करते हैं, बस नंबर अलग अलग रहता है ना। एक ही तो IC को कंपनियां अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम देके बनाए रहते हैं, ठीक है। और सभी पार्ट्सों को दोस्तों जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर को भी अलग अलग कंपनियां अलग अलग नंबर देके बनाए होते हैं जो कि सेम काम करता है। और ये बात यहाँ पे वर्टिकल IC की भी दोस्तों, तो वर्टिकल IC में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे कि 78040 हो गया, 78041 हो गया, और 78045 हो गया, इसमें से कोई भी नंबर का आपको मिले तो आप उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि आप पिन को बस मिलाइए है ना। तो मेरा जो कहने का मतलब है दोस्तों, हो सकता है आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ है ना, तो उस हिसाब से कीजिए, बस ट्रैक को मिलाइए। अगर सेम जगह से मिला है और सेम जगह से निकला हुआ है, ट्रैक मिल रहा है, तो आप उसको बिना सोचे लगा सकते हैं है ना। और नंबर के पीछे भागिएगा तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, और नंबर के पीछे आप भागते रह जाइएगा, आप लोकल का ही नहीं खोज पाइएगा, जैसे कि इसका ही लोकल TV का ही नंबर नहीं खोज पाइएगा, तो बाकी आप ब्रांडेड कंपनी का कहाँ से खोज के पाइएगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि धीरे धीरे CRT TV मार्केट में कम होते जा रहा है ना। तो अब बात करते हैं, चलिए यहाँ पे जो है जिसको कि आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, सेम वैल्यू का लगाइए, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो लगा है उसको दूसरे जगह किट से निकाल के देख के लगाएं, वैसा आप लोगों को बहुत सा जगह में मिलेगा, लेकिन बहुत सा जगह में उसको रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हुआ मिलेगा है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अलग देखिए, यहाँ पे जो IC क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो यहाँ पे दूसरे रेजिस्टेंस लगे हो सकते हैं है ना, दूसरे रेजिस्टेंस लगे हो सकते हैं यहाँ पे है ना। तो रेजिस्टेंस के वैल्यू के हिसाब से लगाए, रेजिस्टेंस का वैल्यू तो आप जानते ही हैं, ये मीटर से पता नहीं चलता है, तो इसे कलर कोड दिया रहता है दोस्तों, कलर कोड के बारे में पिछले भी वीडियो में हम मेरे चैनल में वीडियो है रेजिस्टेंस के बारे में देख सकते हैं, या तो फिर कहीं से भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, कलर कोड से कैसे मान निकालें, कैसे पता चलता है कि कितने मान का है ना। तो रेजिस्टेंस को आप चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। और रही बात है आपका ये कैपेसिटर को दोस्तों आप सेम नंबर का लगाइए, मान आगे पीछे कर सकते हैं है ना। अगर मान लीजिए दोस्तों बोल्ट को आगे पीछे कर सकते हैं, पीछे मत कीजिए आगे कीजिए कम, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है 470 योग 30 बोल्ट या 35 बोल्ट दिया है, तो उसके जगह में आप 40 बोल्ट डाल सकते हैं, 45 बोल्ट कम बोल्ट का डालिएगा दोस्तों, तो ट्रांजिस्टर क्या बोलते हैं कैपेसिटर जल्दी ख़राब होगा और फटने का चांस रहता है ना। तो रेजिस्टेंस का तो वैल्यू को चेंज बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये परफेक्ट मात्रा में जो वोल्टेज आना चाहिए वही वोल्टेज को भेजता है, यदि इसमें अंतर आ गया तो आपकी उस सप्लाई में भी अंतर आ जाएगा, ठीक है। सप्लाई में अंतर आएगा तो उस सेक्शन में जहाँ पर सप्लाई दिया गया है वहाँ के पार्ट्सों को ख़राब कर देगा है ना। तो रेजिस्टेंस ही एक ऐसा चीज़ है जिसको कि आप चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर दोस्तों मान सेम मान कर डालिए, भले ही आप लोगों का वोल्ट आगे पीछे हो तो चलेगा, पीछे में नहीं, मैंने कि थोड़ा सा बढ़ा के कुछ परसेंट है ना, जैसे कि बताया कि 35 वोल्ट का है तो उसमें 5 वोल्ट बढ़ा दीजिए, 40 वोल्ट डाल दीजिए, 45 वोल्ट, 50 वोल्ट ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो रहता है दोस्तों, मान लीजिए इसका UF दिया जो रहता है माइक्रोफेराड, UF जो मान रहता है वो सेम नंबर का रहना चाहिए दोस्तों, और जो बोल्ट जो रहता है उसका कैपेसिटी यदि उससे कम का रहा तो फट जाएगा या तो ख़राब हो जाएगा, और जो UF जो रहता है दोस्तों वो उसका क्षमता रहता है कि वोल्टेज को कितना हम लोग को फिल्टर करना है, ठीक है।
और वीडियो दोस्तों छोटा सा था, पर आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को जो भी हम लोग के द्वारा नॉलेज या तो आता रहता है, जानकारी मिलता है, तो दिमाग में आता है कि आप लोगों को बता दें, तो आप लोगों को शेयर करते हैं और आप लोगों को सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो मैंने जो कुछ बताया उस बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। और जो पुराने मैकेनिक हैं उन लोगों को तो ए टू जेड पूरा पता रहता है कि कहाँ से क्या होता है, क्या करना चाहिए, लेकिन जो नए मैकेनिक होते हैं उनको जानकारी नहीं रहता है और नंबर के पीछे भागते रहते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग ऐसा ना करें, है ना, नंबर के पीछे ना भागें। प्रयास करें कि आपको वहीं पे जो कीट आपके पास पड़े हुए हैं उनसे आप निकाल के लगा सकते हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, छोटा सा वीडियो था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। और यहाँ पे जो दोस्तों कैपेसिटर किस नंबर का रहता है और उसका काम क्या रहता है, जैसे कि बताया कि इतना ईएफ का होता है ना, तो इसमें उतना ही क्षमता रहता है उस सप्लाई को फिल्टर करने के लिए, है ना दोस्तों। हम लोग चाहते तो यहाँ पे मान लीजिए आपका 470 ईएफ है, यहाँ पे हम लोग 270 या तो फिर 550 जो भी डाल सकते थे, लेकिन हम लोग वहाँ पे उतना नहीं डालते हैं, क्योंकि यदि डालेंगे तो आगे का जो मेंटेनेंस रहता है दोस्तों वो ख़राब हो जाएगा और अपना जो है सप्लाई जितना फिल्टर करना चाहिए था उससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको सेम नंबर का ही लगाते हैं, है ना। और यहाँ पे जो बताया दोस्तों ट्रांजिस्टर के बारे में आप ध्यान दीजिएगा। तो और यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और समझ में आया आ गया होगा तो तभी कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि थोड़ा सा छोटा सा जानकारी आप लोगों के बीच में मैं शेयर किया। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। और पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल में अभी स्टार्टिंग है और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में से जुड़े हुए सभी प्रकार की जानकारी आप लोगों को मिलते जाएगी, है ना। यदि चैनल से यदि आप जुड़ गए तो फिर आप लोगों को कहीं से भी कोई भी चीज़ की जानकारी की कमी नहीं पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, है ना। तो स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।